अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीर उसामा। आज की मेरी वीडियो विड्रॉल से रिलेटेड है। पॉकेट ऑप्शन एप्लीकेशन में यहाँ से मैं विड्रॉ करूँगा, लाइव आप लोगों को विड्रॉ करके दिखाऊंगा और कितनी देर में आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकान को ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके बआसानी। विड्रॉ हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट गेन किया वो देखें। इसमें मैंने जस्ट $5 डिपॉजिट किए थे, ठीक है। ये एप्लीकेशन वाहिद एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर आप $5 जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट इसमें $5 का है, ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें भी वो भी लिमिट दी होगी उन्होंने, तो $5 मैंने डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद मैंने वहाँ पर प्रॉफिट गेन किया, अच्छा खासा मैंने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट बनाया, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड्स वगैरह ली हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी इन्फो ओपन हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग में, रियल अकाउंट में वापस। और वापस आने के बाद यहाँ से दोबारा से हम लोग जाएंगे, यहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है उसी आइकन में हम लोग वापस जाएँगे फिर से दोबारा, और हम लोग फाइनेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले विड्रॉ करने के लिए। वीडियो मोबाइल पे बना रहा हूँ इसलिए लैपटॉप का थोड़ा सा इशू था, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। विड्रॉ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं $17, ठीक है। $17 मिनिमम जो विड्रॉ इसमें वो $10 का है, कमीशन ज़ीरो है इसके अंदर। अब यहाँ पे जायज कैश का नंबर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपना जायज कैश नंबर देना है। जायज कैश नंबर मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। लिखने के बाद जो है वो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं $12 करूँगा, ठीक है। $10 मैं विड्रॉ कर चुका हूँ यहाँ से और 23 तारीख है, 23 तारीख के अंदर ही मैंने जो है वो डिपॉजिट मैंने इसमें से विड्रॉ लिया था। बीच में 21, 22, 23 को मैंने ट्रेड की थी, लेकिन बहुत कम ट्रेड की थी, मुझे ट्रेड अच्छी नहीं मिली तो मैंने नहीं ली। तो ये सारी ट्रेड जितनी भी मैंने की थी वो न्यूज़ पे की थी, ठीक है ना। 23 को काफ़ी न्यूज़ थी, तो 23 को ही मैंने सारी ट्रेड जो हैं वो ली हैं यहाँ पे, जितनी भी हैं सब ट्रेड मैंने न्यूज़ पे ट्रेड करके पैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया है। नंबर देने पर सिंपली हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो 2 स्टेप बता रहा है। 2 स्टेप मतलब अभी फाइनेंशियल प्रोवाइडर जो होते हैं ना उनकी तरफ से लेट होता है, बाकी यहाँ से अब फंड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। बिजनेस डे बता रहे हैं वो, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फंड रिसीव हो जाएगा कि फ्यू बिजनेस डे। लेकिन ये विड्रॉ मेरा जो है मैंने 2:00 समथिंग पे लगाया था और मेरा तकरीबन 3-4 बजे मेरा विड्रॉ, ये एक मेरा विड्रॉ $10 वाला मुझे मिल गया था। लेकिन ये जो $12 वाला मेरा विड्रॉ है ना, ये थोड़ा सा लेट आया था, ये आया था 24 तारीख को आया था, मतलब 23 को लगाया था 24 को। विड्रॉ मैंने एक ही दिन में किए हैं, एक विड्रॉ मैंने 2 बजे लगाया था 23 तारीख को और वो 3-4 बजे मुझे रिसीव हो गया था। फिर मैंने शाम को इसमें ट्रेड किया न्यूज़ पे, ट्रेड करने के बाद मैंने दोबारा से जब उसमें लगाया तो विड्रॉ $12 का मैं लगाया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। दोबारा से जब मैंने $12 का विड्रॉ लगाया तो वो मेरा लेट आया था, वो आया था मेरा 9 बजे तकरीबन, रात को 9 बजे मैंने लगाया था और नेक्स्ट डे वो मेरा विड्रॉ मुझे मिला था जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये $10 का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इदारे में बना दिया, ये मेरा कम्प्लीट हो गया है विड्रॉ। और $12 वाला विड्रॉ जो है वो मुझे मिला था 24 तारीख को, ठीक है। ये वाला मेरा 24 तारीख को मेरे जायज़ कैश के अंदर इसका मैसेज आ गया था, 3300 और I think 3600 रुपये आए थे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको नीचे से और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था $5 का डिपॉजिट था इसमें मिनिमम डिपॉजिट, ये देख लें, ये 23 तारीख है, ठीक है। 23 तारीख है और 14:04 मतलब 2:02 का तकरीबन टाइम था। और ये वाला जो विड्रॉ मैंने लगाया हुआ है ये भी 23 तारीख को ही लगा हुआ है, तकरीबन 9:30 बजे के करीब है ये, 23:21 है ना, ये 21:30 28 सेकंड 9 बजे का टाइम है ये भी, रात के 9 बजे। मतलब एक ही दिन में 2 विड्रॉ लिए थे मैंने, एक विड्रॉ मेरा आ गया था 1-2 घंटे के अंदर, दूसरा विड्रॉ मेरा मिला था मुझे जाके 24 तारीख को, ठीक है ना। तो खैर विड्रॉ तो ये $5 का डिपॉजिट है, यहाँ पर देख सकते हो $5 इसमें मैंने डिपॉजिट किए थे 20 तारीख को, 21-22 को मुझे ट्रेड नहीं मिली कोई भी अच्छी, तो मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि छोटा अकाउंट था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा ग्रो करूं। तो 23 को न्यूज़ थी, 22 को न्यूज़ नहीं थी,
इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। तो 22 पे 23 पे न्यूज़ थी, तो वहाँ पे पूरे दिन ही न्यूज़ आई है। यूरो की न्यूज़ थी, GBP की न्यूज़ थी, CAD की न्यूज़ थी और USD की न्यूज़ थी, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद थी, यहाँ पे 2 घंटे मैंने लिखे थे कि 2 घंटे में आ जाएगा, लेकिन ये वाला विड्रॉ मेरा लेट आया था। $12 वाला विड्रॉ जो है वो मेरा 2 घंटे में नहीं आया, वो मैंने रात 9 बजे लगाया था और अगले दिन जाके मेरा विड्रॉ जो है वो मुझे मिला था। अब हम लोग वीडियो, जब मेरा विड्रॉ आएगा तो बाकी की वीडियो मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि मेरा विड्रॉ कितने बजे आया, कितना आया, वो मैं बताता हूँ फिर। अच्छा यार, विड्रॉ मेरा जो है वो तो आ चुका है मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है। विड्रॉ मेरा मैं 24 को ही आ गया था, आज 25 तारीख को, एक 24 को आया और एक 23 को आया था। सीधी सी बात है, टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो उसके लिए सॉरी। विड्रॉ तो मेरा गया। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको विड्रॉ अपना दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइनेंस पे जाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री में जाके पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने विड्रॉ लिए थे एक ही दिन के अंदर, $5 डिपॉजिट किए थे। अब यहाँ पे देखो आप लोग, $5 का डिपॉजिट है, ये मेरा $5 का डिपॉजिट है, ठीक है। डिपॉजिट कंप्लीट हुआ पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये किया था मैंने 20 तारीख को। अच्छा, उसके बाद 23 तारीख को मैंने विड्रॉ लिया है जनाब $10 का, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है 23 को ही। ये तकरीबन मैंने लिया था सुबह 2 बज के करीब लिया था मैंने दोपहर को, ठीक है। और दूसरा विड्रॉ, जैसे ये विड्रॉ मेरा आ गया था 3-4 बजे, ये वाला विड्रॉ मुझे मिल गया था। अब ये मसला है कि मैंने विड्रॉ लिया था फ्राइडे को, सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ होती है, लेकिन विड्रॉ मेरा वो भी आ गया था। अब ये भी देख लें आप, 23 तारीख को ही मैंने विड्रॉ किया था। ये भी, ये $10 वाला जो मेरा आ गया था, ये भी मैंने 23 को ही किया था। ये 2 बजे दोपहर किया था, 3-4 बजे आ गया था। अब ये वाला मैंने किया था दोबारा से विड्रॉ $23 का, ये रात को मैंने किया था तकरीबन 9 बजे, तकरीबन 9:30 के करीब मैंने ये वाला किया था। और ये वाला मेरा विड्रॉ जो है वो आया था मुझे 24 तारीख को, मुझे मिला था तकरीबन दोपहर को शायद, ठीक है। तो ये जो भाई कमेंट करके कह रहे थे कि विड्रॉ नहीं आता है, डिपॉजिट ही नहीं आता है, पैसे डलवाए नहीं आते, तो भाई विड्रॉ डिपॉजिट की वीडियो मैंने डाली हुई है, पहले आप देखो वीडियो को पूरा किस तरीके से करना है। फिर इस एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट जो है, जैसे ही आप ब्रोकर को पैसे भेजते हो ना, जैसे एप्लीकेशन में वापस आओगे आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होंगे आपका डिपॉजिट, ठीक है ना। मैंने जितनी बार भी किया फौरन आया, एक दफा भी मेरा लेट नहीं हुआ। चले अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना। अब यहाँ पे स्क्रीन रोटेट कर लिया मैंने, क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप मेरा यार खराब हो गया तो मुझे मोबाइल पे वीडियो बनानी पड़ रही है। अब आप ये लोग यहाँ से देख लो, सबसे पहले $12 का विड्रॉ पड़ा हुआ है 24 अगस्त का, ठीक है। अब ये मेरा नीचे पड़ा हुआ है $10 का विड्रॉ, ये $10 का विड्रॉ मेरा पड़ा हुआ ये वाला ऊपर वाला, और 23 अगस्त का है, ठीक है। अब यहाँ पे $10 सक्सीड आ गया। यहाँ पे आप लोग ये रकम देख लें, पाकिस्तानी PKR में 2780 रुपये पड़े हुए हैं यहाँ पे $10 वाले, और $12 वाले जो हैं वो मेरे पड़े हुए हैं भाई मेरे 3336 रुपये, 2780 और 3336। अब मैं चलता हूँ जैज कैश एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 3336 रुपये वाला जो मेरा विड्रॉ आया, ये पड़ा हुआ 3336, और ये मेरा पड़ा हुआ है 2780 वाला विड्रॉ यार, मेरे $10 का ये पड़ा हुआ है। स्ट्रेटजी वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, वो मैं बताता हूँ जिस तरीके से मैंने बताया। अगर आप उस तरीके से यूज़ करते हो तो ठीक है, वो काम करती हैं। आगे लाइव डिपॉजिट करके दिखाया, लाइव विड्रॉ करके दिखाया। लेकिन ये है कि ट्रेडिंग का जब भी आपने करना है, बगैर सीखे समझे आपने कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी, पहले सीखना है। मेरे चैनल पे सीखने की जरूरत नहीं है आपको, YouTube पे हजारों चैनल मिलेंगे जो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। आप कहीं से भी सीखो, मैं भी YouTube से ही सीखा हूँ और अभी तक मैं सीख रहा हूँ। ये नहीं है कि सर मैं छोड़ दिया है, जितना का सीख रहा हूँ उतना का बना रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ज्यादा भी हो जाएगा, इंशाल्लाह बढ़ जाएगा काम। तो जो जो चीज़ें मुझे पता है, मैंने डिपॉजिट नहीं आता, मेरे से जो बन पड़ता मैं करता हूँ, वो बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका डिपॉजिट आ जाते हैं। डिपॉजिट करना आसान है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग करते हो उस तरीके से आपके अकाउंट में नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती इसके अंदर, तो मैंने लाइव वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ, चाहे वो क्यूटेक्स है, चाहे वो एक्सपर्ट ऑप्शन है, चाहे वो ये पॉकेट ऑप्शन है, कोई भी एप्लीकेशन है, पनीमो भी पड़ी हुई है, तो सब में तरीकाकार हर ब्रोकर का अलग होता है। अलग तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने हैं, कैसे DID नंबर लगाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके आपका डिपॉजिट आता है। ये नहीं है कि आपने पैसे ब्रोकर को भेजे और पैसे आ गए, ऐसे नहीं होता। वीडियोज़ को पहले प्लीज़ पूरा देखा करो, उसके बाद जो जाके आप लोग डिपॉजिट किया करो। तो आई होप आप लोगों को यकीन आ जाए मेरी बात पर, और ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो, हेल्पफुल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।